कैसे हो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जिसमें हम कंपेयर करेंगे दो मोबाइल्स, जिसमें सैमसंग का गैलेक्सी A70 होगा और हुआवे का P30 Lite होगा। इन दोनों फ़ोन की स्पेसिफिकेशन हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, देखते हमें कौन सा बेस्ट मिलता है स्पेसिफिकेशन के साथ। चलिए स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा दिवाली के बारे में। दिवाली आ रही तो आप क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सा फ़ोन लेना चाह रहे हैं? केजरीवाल ने पटाखे वटाखे तो बंद कर दिए, जनरेटर भी बंद कर दिए पॉल्यूशन से रिलेटेड, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे बढ़िया ही होगा, उम्मीद है। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले नाम लेकर सैमसंग का। चलिए शुरू करते हैं सैमसंग का नाम लेकर। सब्सक्राइब कीजिए अम्ब्रेला न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपकमिंग मोबाइल्स और मूवीज़ की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग गैलेक्सी A70 में हमारी डिस्प्ले आती है 6.7 इंच की, जो हमारी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अब बात करते हैं P30 Lite की डिस्प्ले की, जो कि हमारी 6.15 इंचेस की डिस्प्ले है। दोनों में हम डिफरेंस देखें तो 0.5 का डिफरेंस है। A70 की डिस्प्ले बड़ी है 0.5 इंचेस। तो देखूं तो इसमें दोनों की इस जो डिस्प्ले है 70 की जो डिस्प्ले है वो है सुपर एमोलेड और इसकी है LTPS डिस्प्ले। दोनों का कंपेयर करें तो मैं आपको प्रीफर करूंगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बढ़िया होती है। जो कि अगर आप लेफ्ट या राइट से साइड से देखते हैं वीडियो या गेम खेलते हैं या कोई आसपास का बंदा देखता है वीडियो आपकी, तो वो वीडियो देख सकता है। लेकिन LTPS जो LCD डिस्प्ले, अगर आप उसको साइड से देखें तो वो साइड से उसमें वीडियो नहीं दिखाई देती है सही से, उसमें ब्लैकनेस आ जाती है। दोनों ही फ़ोन में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है एंड्रॉयड पाई, सैमसंग गैलेक्सी A70 में और हुआवे P30 Lite में। बॉडी वेट की बात करें दोनों की, तो बॉडी का वेट वही 0.25 ग्राम्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी A70 का जो बॉडी वेट है 183 ग्राम्स है और हुआवे P30 Lite का जो वेट है 159 ग्राम्स है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी वेट का बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है। देखते हैं, दोनों ही फ़ोन हमारे ये मार्च 2019 में रिलीज़ हुए थे दोस्तों, देख ऐसा कुछ नहीं है लेकिन डिफरेंस काफ़ी देखने को मिलेगा हमें इसमें। A70 जो मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी का, उसको उसकी जो स्टोरेज हमें मिल जाती है इंटरनल, वो मिल जाती है 6GB 128GB में, और दूसरा वेरिएंट मिलता है उसका 8GB रैम और 128GB में। और हम हुआवे P30 Lite की बात करें तो उसका वेरिएंट भी सेम मिलता है इंटरनल स्टोरेज में 4GB 128GB और 8GB 128GB। दोनों में आप एक्सटर्नल जो SD कार्ड एक्सपेंड कर सकते हैं, वो 1TB या 512GB की SD कार्ड डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको और ज़रूरत होगी, काफ़ी 128GB काफ़ी स्पेस होता है। आगे बात करते हैं हम कैमरा की। अगर हम सैमसंग गैलेक्सी A70 का कैमरा देखें तो उसमें ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है बैक साइड में, जो 32 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल है। अगर हम इसकी वीडियो की क्वालिटी की बात करें तो इसमें LED फ्लैश भी है, साथ में पनोरमा और HDR वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आप नॉर्मल 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम में। हम बात करते हैं अब आगे हुआवे P30 Lite की। अगर इसके कैमरा की बात करें इसमें, तो इसमें ये कैमरे की जो दो वेरिएंट हैं, एक है 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल। जो कैमरे का दूसरा वेरिएंट है उसका 24 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। दोनों का इसमें आप कर सकते हैं HDR और पनोरमा, और इसमें 4K नहीं है, फुल HD में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p में। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूं जो इनके कैमराज होते हैं सैमसंग के और हुआवे के, एवरेज होते हैं 48 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैंने सैमसंग का और मोटोला और एप्पल के फ़ोन के जो कैमरा हैं उनके 12 मेगापिक्सल के कैमरा से जो क्वालिटी आती है ना,
तो वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। आप दूसरे वीवो ओप्पो या कोई भी फ़ोन ले लें, उनकी कंपैरिजन में हमें क्वालिटी नहीं मिल पाती इस तरह की। सैमसंग A70 के फ्रंट कैमरा अगर हम देखें तो उसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। आप HDR 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 फ्रेम के साथ। अगर हम Huawei P30 Lite की बात करें फ्रंट कैमरा की, तो उसमें 24 मेगापिक्सल है और 32 मेगापिक्सल, ये दो वेरिएंट में आता है आपको। जैसा कि मैंने बैक साइड वाला बताया था, बैक साइड के लिए भी दो वेरिएंट में और फ्रंट वाला भी दो वेरिएंट में है। इसमें आप पनोरमा सेटिंग के साथ आप कर सकते हैं। HDR की सपोर्ट नहीं है मेरे ख्याल से, गैस कर रहा हूँ मैं, हो पॉसिबली। और 1080p में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और फोटो की क्वालिटी दोनों की बेस्ट है मेरे ख्याल से। सैमसंग की मैं कंपेयर कर तो सैमसंग बेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। दोनों ही फ़ोन में हेडफोन जैक दिया हुआ है 3.5 mm का स्पीकर के लिए, जो आप यूज़ कर सकते हैं ईयरफोन हेडफोन लगाकर। फिंगरप्रिंट की बात करी जाए तो A70 में जो फिंगरप्रिंट है वो अंडर डिस्प्ले है, और P30 लाइट में जो है वो बैक साइड में दिया हुआ है उसके। इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं, पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट भी इसमें अवेलेबल है आपको। आगे जो कॉमन चीज़ें होती है मैं वो आपको बताता हूँ दोनों के ही अंदर। A70 और P30 लाइट में वाईफाई भी मिल जाता है आपको हाई रेंज में जो लेटेस्ट है। ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, GPS मिल जाता है, और NFC मिल जाता है, रेडियो FM दोनों में ही है, और अदर जो फीचर्स हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं दोनों में ही। USB Type-C है 2.0 जो कि आपको काफ़ी सपोर्टेबल है। आप कभी काफ़ी फास्ट हो गए है, USB Type-C मोस्टली सभी फ़ोन्स में और लैपटॉप्स में भी आने लग गई है, एप्पल तक के लैपटॉप में आने लग गई है। जो कलर है सैमसंग गैलेक्सी A70 का वो है कोरल ब्लू, ब्लैक और वाइट। और P30 लाइट के कलर की बात करें हम, ये तीन कलर हैं ब्लू ब्लैक वाइट, बट ये अलग अलग कैटेगरी के शेड में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीकॉक कलर, मिडनाइट कलर और पर्ल। जो पीकॉक ब्लू कलर है और हमारा मिडनाइट ब्लैक कलर है और पर्ल वाइट है। आखिरी में मैं आपसे बात करता हूँ बैटरी की, दोनों के फ़ोन की। सैमसंग गैलेक्सी A70 में जो बैटरी है वो 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आ जाती है, वो 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है। और Huawei P30 Lite की जो बैटरी है हमारी, वो है हमारी 3340 की, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है 18 वाट की चार्जिंग के साथ, जो सपोर्ट करता है, बेस्ट है मेरे ख्याल से। अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो कैमरा की वाइज या डिस्प्ले की वाइज या इनके दोनों फीचर्स के अकॉर्डिंग मुझे सैमसंग गैलेक्सी A70 बेस्ट लगा, वो अभी P30 लाइट से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक तो ठोक देना, काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो मैंने अभी फ्रेश हुआ और चाय वाय पी और फिर आपके लिए वीडियो मैंने बनाई है। देखता हूँ आपके सामने मैं ये वीडियो सर्व कर रहा हूँ कि आपका रेस्पॉन्स रहेगा। तो दोस्तों फिर एक और वीडियो में मिलते हैं, आगे कंपैरिजन करेंगे या कोई न्यूज़ आएगी टेक से रिलेटेड तो मैं आपको शेयर करूँगा। और हाँ, मैं डेली बेसिस पे इवनिंग में आपको टेक 10 बजे का एक एपिसोड डालता हूँ, जिसके अंदर टेक की न्यूज़ होती हैं, जो भी होती हैं, कौन से मोबाइल आने वाले हैं, क्या उनके फीचर्स आएंगे, क्या लीक आने वाली है, उसकी न्यूज़ होती है। तो दोस्तों तब तक के लिए आपको गुड बाय और जय हिंद, वंदे मातरम, लास्ट में हैप्पी दिवाली, बोलना मत, इधर से एक दिया।